सरकार का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई में डिले की उसका कारण है कि बहुत व्यग्रता आई देश के अंदर। मैं ये नहीं कहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट ने डिले करके गलती की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को हम भगवान की गद्दी मानते हैं, उनके बारे में हम टिप्पणी नहीं कर सकते। उनके पास में कई बातें ऐसी होंगी जिसके कारण उनको ऐसा लगा होगा, लेकिन उसी का परिणाम निकला कि देश में व्यग्रता आई और लोग भव्य राम मंदिर का निर्माण जल्दी देखना चाहते हैं। उस दृष्टि से केंद्र सरकार का ये जो कदम है इसका बहुत बहुत अभिनंदन किया जाना चाहिए और हम यकीन करें, भगवान से प्रार्थना करें कि इसकी सुनवाई में जरा भी देर नहीं होनी चाहिए। जैसे लाने की बात कर रही थी सरकार की, महागठबंधन की क्या तस्वीर देखती है आप? लोकसभा चुनाव लड़ेंगी 2019 का, अगले वाले का तो मैं सीडी में बोल चुकी हूँ, उसको सुन लेना, बार बार रिपीट करना ठीक नहीं, क्योंकि वो बात अब आ आई महागठबंधन की बात। तो देखिए, गठबंधन तब सफल होता है जब वो किसी सिद्धांत पर होता है, किसी नीति पर होता है। और गठबंधन का जो अभी का जो गठबंधन है, इसका जो अतीत का जो स्वरूप है वो बहुत दुखद रहा है। और इसलिए मैं तो दूसरी चिंता मुझे लगी है कि अब मायावती पर संकट आएगा तो कौन बचाएगा। तो आप लोग मायावती को मेरा मोबाइल नंबर दे देना, तो जैसे ही उनको परेशानी हो मुझे तुरंत बुला ले, मैं उनको बचाने के लिए आ जाऊंगी। इसका यही परिणाम फिर निकल रहा है।